FIFA, expressed by an unnamed RSS source to the journalist Vinod Jose of the Caravan, which I quote here, in which they expressed their frustration with their inability to curb Mr. Modi. And the man says, Mr. Modi, he says, is like a scorpion sitting on a shivling. You cannot remove him with your hand, and you cannot hit it with a chopper either. And if you think about it, that's a very, very profound understanding of the relationship. Because if you remove a scorpion with your hand, you'll get stung very badly. But if you hit a shivling with a chopper, then you've undermined all the sacred tenets of the faith that you hold. अंबेडकर जी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी उसको साकार करने में एक व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान था, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। अब इस परिवार के बारे में ऐसी गंदे बातें कहें, और वो भी जबकि अंबेडकर जी के याद में एक बहुत बड़ा इमारत यहाँ उसका उद्घाटन हो रहा है, मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। और ऐसे व्यक्ति ऐसे मौके पर इस प्रकार की गंदी राजनीति की क्या आवश्यकता है? I personally have seen nothing special in his batting. I enjoy watching English and Australian batsmen more than these Indian. Okay. I don't think that you should live in India, then you should go and live somewhere else. Why are you living in our country and loving other countries? But I don't mind you not liking me, but I don't think you should live in our country and like other things. Get your priorities right. Would you take sanitary napkins steeped in menstrual blood and walk into a friend's home? You would not. ऐसी सरकार चलाई कि जो बेटी पैदा नहीं हुई, जिस बेटी का जन्म नहीं हुआ, वो कांग्रेस सरकारों के कागज पे वो बेटी की विधवा भी हो गई और बेटी के विधवा पेंशन भी मिलना शुरू हो गया। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? मुझे फिक्र होती है अपनी औलाद के बारे में सोचकर, क्योंकि उनका मजहब ही नहीं है। मजहबी तालीम मुझे मिली थी और रत्ना को बहुत कम मिली थी, लेकिन मुझे थोड़ी ज्यादा मिली थी, उसको बिल्कुल भी नहीं। एक लिबरल हाउस होल्ड था उसका, और हमने अपने बच्चों को मजहबी तालीम बिल्कुल नहीं दी, क्योंकि मेरा यह मानना है कि अच्छाई और बुराई का मजहब से कुछ लेना देना नहीं है।
अच्छाई और बुराई के बारे में जरूर उनको सिखाया, जो हमारे बिलीव्स हैं दुनिया के बारे में वो हमने उनको सिखाए। कुरान शरीफ की एक आध आयत याद जरूर करवाई, क्योंकि मेरा मानना है कि उसका तलफ्फुज़ सुधरता है उसके रियाज से, जिस तरह से हिंदी का तलफ्फुज़ सुधरता है रामायण या महाभारत पढ़ के इन इट्स ओरिजिनल। और खुशकिस्मती से मैंने बचपन में अरबी कुरान शरीफ पढ़ी थी, कई आयतें मुझे अब भी याद हैं, उसकी वजह से मेरे ख्याल से मेरा तलफ्फुज़ है। तो फिक्र मुझे होती है अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि कल को उन्हें कोई अगर एक एक, एक भीड़ ने घेर लिया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, तो उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा, इस बात की फिक्र होती है, क्योंकि हालात जल्दी सुधरते तो मुझे नजर नहीं आ रहे। हमने रेल की बड़ी घटनाएं जो होती है उसका जो इतना प्रचार होता है कि इस समय रेल बढ़ गए हैं, रेल बढ़े नहीं, पहले भी होते थे आगे भी होते हैं, चिंता बढ़ी है। और सबसे बड़ी चिंता यह है कि जो है रेल की छेड़खानी है, ये 80-90% जानकारों के बीच में होती है, एक दूसरे को जानते हैं। बहुत घटनाएं तो ऐसी होती है काफी समय तक इकट्ठे घूमते रहते हैं और एक दिन थोड़ी अड़बड़ हो गई, उस दिन उठा करके और एफआईआर कर देते हैं, क्या इसने मुझे ट्रेक किया।